एक बार घाट उठाकर आ जाओ। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, कोई कमी नहीं हो, लेकिन गारंटी दूंगा वहां से आने के बाद बोलोगे आप कि आज तक मैं अधूरा था, आज मैं पूरा हो गया। और एक चीज और बताओ, सिर्फ लेना जानते हो कि देना भी जानते हो? देना भी जानते हो। क्या दे सकते हो आप? प्रैक्टिकली बताना क्या दे सकते हो? ये जो जयकार है ना, और ये कीर्तन है, और ये तालियां है, इसके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते इनको। आज से 30 साल पहले चले जाइए, यहां पर जितने लोग बैठे होंगे उनमें से 95% 95% लोगों ने संघर्ष किया होगा, और उस संघर्ष में किसी न किसी देवी देवता का कृपा का हाथ होगा, और खाटू वाले की कृपा का हाथ होगा। 2-4-5% हो सकता है सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हो, लेकिन बाकी में संघर्ष किया है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पहले जब ट्रेन में सफर करते थे आपके पास स्लीपर का किराया होता था तो स्लीपर में जाते थे, प्रभु ने आपकी हैसियत बनाई, आप AC 3 टायर में जाने लगे, और हैसियत बनाई AC 2 टायर फर्स्ट AC में जाने लगे, और कृपा कर दी आप फ्लाइट में जाने लगे। इसकी कृपा में कमी है क्या? नहीं। तो फिर जयकारा तो नहीं बोल रहे हो आप? आरे के सहारे की अनुसार करते हो, कृपा हैसियत में नहीं है क्या आपकी? बोलिए 3 बाणधारी की। ऐसे ऐसे नहीं, ये एक क्षेत्र तो मुझे बहुत ताकतवर लग रहा है, लेकिन बाकी थोड़े शांत। ऐसा नहीं करो, इलेक्शन ओवर हो गया है ना, रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट अपना रिजल्ट सोचो यार। देखो जिनके पीछे आप लोग घूमे ना, ये सब आपको घुमाएंगे, ये सब आपको घुमाएंगे, कोई किसी चीज को ले कोई फेयर नहीं है, फेयर है तो एक ही है। एक निवेदन करूंगा, कम कृपा है तो कम जयकार लगाना, और खूब कृपा है तो खूब जयकार लगाना, गुंजायमान कर देना। ये कौन सी जगह है? गज सिंहपुर ये जगह है ना, गज सिंहपुर जगह है तो गज वाली जयकार होनी चाहिए है ना। इससे ऊंचा कोई है क्या? नहीं है। अभी बहुत लोग आ जाते मीटिंग के अंदर में तो लाखों की संख्या में पहुंच जाते और नारे लगाने लगे जाते, पालक ना दिया रहे हम। इसकी जयकार करो आपकी जय जय कर देगा। आइए प्रेमी, लेकिन मैं आपको किसी मुगालते में नहीं रखूंगा, मैं आपको दिल से बनाऊंगा।